स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लिंग्विस्टिक्स में जो आपको पढ़ना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक्स। दोस्तों, पहली बात कि फोनेटिक्स क्या है। जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जब कोई भी ह्यूमन या हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो हम अपनी बॉडी के मुख्तलफ यानी हिस्से जो हैं वो यूज़ करते हैं। लाइक जैसा कि हमारे लिप्स, टंग, टीथ, जबान वगैरह, जो फेफड़ जो भी है, ये हम यूज़ करते हैं जब हम बोलते हैं, तो ये यूज़ होते हैं। तो फोनेटिक्स एक ऐसा टर्म है जो हमें बताता है कि हम साउंड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ट्रांसमिट कैसे करते हैं, साउंड को रिसीव कैसे करते हैं। ये जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है बोलने का, इस सारे सिस्टम की स्टडी को हम कहते हैं फोनेटिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है फोनीम, वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो हमें साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज बताता है। खैर, उसके बाद है दोस्तों फोनोलॉजी। फोनोलॉजी भी एक ऐसा ही टर्म है जो स्पीच साउंड की स्टडी बताता है, लेकिन एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में। यानी जो फोनेटिक्स था वो किसी सिर्फ और सिर्फ स्टडी ऑफ साउंड प्रोडक्शन की स्टडी थी कि साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है। इसकी जो कंसंट्रेशन यानी है वो किसी भी लैंग्वेज के साथ नहीं है। बट फोनोलॉजी जो है वो हमें बताता है कि जो लैंग्वेज की जो स्पीच साउंड है, हम जो हम इसे यूज़ करते हैं लैंग्वेज में, हमारा जो साउंड है, हम जो पैटर्न्स यूज़ करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर लैंग्वेज होनी चाहिए। किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में हमारा जो साउंड सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम कहते हैं फोनोलॉजी। और स्पेशली डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, तो हम उसी चीज़ को कहते हैं फोनोलॉजी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपको शेयर करना चाहिए दोस्तों के साथ। थैंक यू।